अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे, सेफ होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल नायमा किचन रूटीन एंड ब्लॉग। तो अभी जो है टाइम हो रहा है 4:45। तो अभी 4:45 का टाइम है और संडे का दिन है। तो आज मैं अभी ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी साथ ये कपड़े जो धोए थे मैंने वो सब रखे हुए हैं, अभी मैंने तय नहीं किए हैं क्योंकि हस्बैंड जो है ना अभी बाहर गए हैं और वो बोल के गए हैं कि जो है आप तैयार हो जाओ आप लोग, और आज संडे है तो आज कहीं घूमने चलते हैं। तो एज यूजुअल हम लोग वही जाए। डुगू डुगू बेटा उतरो। तो ये डुग्गू मेरा बेटा ना जो जाव्यान है, ये ना बालकनी में ना रेलिंग पर चढ़ने लगा था, तो मैं बस बीच में बोल पड़ी, सॉरी। बात कर रहे थे तो हम लोग ये कह रहे थे कि जो है हस्बैंड बोल कर गए हैं कि रेडी हो जाओ फिर हम लोग घूमने जाएंगे। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं, शायद मॉल में ही जाएंगे क्योंकि इनको जो है ना मॉल में ही जाना होता है, और जो है इनको जो राइड करनी होती है और गेम खेलने होते हैं बहुत सारे, इसीलिए जो है इनको वहीं जाना पसंद है। तो उनका कि चलो चलते हैं, थोड़ा सा ये खेल कूद लेगा और थोड़ा सा इसका मन अच्छा हो जाएगा। और हम शायद रमजान में एक बार गए हुए थे, उसके बाद हम गए नहीं हैं। और तो फिर चलिए मैं अब जा रही हूँ तैयार होने, क्योंकि हस्बैंड 5 बजे का बोल गए और 4:45 बज गए, मैं तैयार नहीं हुई। तो चलिए मैं तैयार हो जाती हूँ। तो मैं तैयार हो गई हूँ और ये मेरे क्यूट सी झुमके हैं, कैसे लग रहे हैं आप लोगों को? और मैंने ऐसे ही पोनी बांध रखी है, और जो है ये मेरा सूट कुर्ता। तो आप लोगों को कैसा लगा? निकल चुके हैं, ऑटो का वेट कर रहे हैं बाहर। और ये सो गया था, अक्सर सो जाता है ऑटो में ये। तो बस अब थोड़ी देर में ये हम पहुंचने वाले हैं। काफी मौसम अच्छा हो रखा था, मतलब आज के दिन ना थोड़ा सा बाहर में घूमने का बहुत बढ़िया मौसम था, तो हम लोग इसी वजह से जो है बाहर गए। और यहाँ पर उतरने के बाद इसके ना शूज के अंदर जो है ना बहुत सारी मट्टी भर गई थी, तो इसलिए इसने सही करवाया अपने पापा से। और यहाँ से निकलते ही मैं पहुँच गई थी सैलॉन में और मैं वहाँ पर हेयर कट करवाई हूँ। तो ये देखिए मेरा हेयर कट, तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बस मैंने स्ट्रेट करवाया, थोड़ी सी ट्रिमिंग यहीं पे मैं हमेशा करवाती हूँ। और जब से मैंने शॉर्ट हेयर करवाए हैं और यहाँ पर जब मैं आई तो देखी कि यहाँ पर ये जो है अपना खेल रहे हैं। तो ठीक है, बच्चों को बहुत सारा स्पेस मिलना चाहिए खेलने के लिए, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे तो बहुत ही नहीं मज़ा आ रहा था, खेल रहे थे ये और स्लाइड वगैरह कर रहा था, तो काफ़ी इन्जॉय किया इसने। और आज ना इसने जो कार वगैरह राइड करी, तो उस टाइम मैं सैलॉन में थी तो मैं मुझे पता ही नहीं चला और मैं बना भी नहीं पाई वीडियो वहाँ की। तो खैर वही सारी चीज़ें रोज़ करता है, तो ये कुछ डिफरेंट किया तो मैंने इसी वीडियो बना ली थी। लेकिन जाके ना स्लाइड पर बैठा रहता है, स्लाइड करते करते पार्क में ना ये इतना बोर हो चुका है कि इसका बिल्कुल मन ही नहीं करता है करने के लिए। तो बस ये ऐसी तरह से खेल रहा था।
और फिर मॉल के वॉशरूम में जाकर वहाँ की मिरर में अगर अपना फेस ना देखा हो, वीडियो क्लिप ना बनाई हो तो फिर क्या किया हो। तो आप लोग भी और ऐसे कौन हैं जो करते हैं इस तरीके का, मेरे कमेंट बताना मुझे कमेंट में ज़रूर। तो फिर वहाँ से निकल गए थे और जो है अब जा रहे थे हम लोग ग्रॉसरी वाले सेक्शन में। तो वहाँ पर हम लोगों को लेना था कुछ सामान, तो वहाँ से हमने ले लिया और यहाँ पर आ गए हैं अब हल्दीराम में। और एज यूजुअल हम लोग वही सारी चीज़ें खा रहे हैं, भटूरा जो कि मेरे बेटे का पसंदीदा है और जो है वहाँ का पसंद मुझे आता है। अगर जो मेरा वीडियो देखते होंगे पहले लोग तो उनको पता होगा कि मैं यहाँ पर जाकर क्या खाती हूँ। तो ये है मेरा फेवरेट डोसा, मैं वहाँ का डोसा ज़रूर खाती हूँ। आज थोड़ा सा जला दिया था इन लोगों ने, तो फिर भी बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। फिर वहाँ से हम लोग खा पी के निकले तो मैं यहाँ पर ना पेंटालूम में चली गई थी। और ये देखिए यहाँ पर ये लोग जो है ना ट्रेन में अपना सफ़र कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि अचानक, तो मैंने कहा कि लो मैं वीडियो बनाती हूँ इन लोगों का, और ये लोग अपना मज़े कर रहे हैं और इधर मैं शॉपिंग वगैरह कर रही थी। मैं देख रही थी कुछ अच्छा मुझे लग जाता है तो मैं ज़रूर खरीदूँगी। खैर मुझे वहाँ पे कुछ पसंद आया नहीं। और वैसे भी ब्रांड में जाओ ना तो बहुत सारी महंगी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ्स हैं जो महंगी चीज़ें अपने लिए तो नहीं खरीदती हैं। तो ऐसे कौन कौन सी हाउस वाइफ्स हैं मुझे कमेंट करके बताना, ज़्यादातर तो ऐसी ही होती है 90%। तो यहाँ से जो है ना हम लोग मिन्सो में चले गए थे और यहाँ पर जो है जापानीज चीज़ें होती हैं वो मैं देखी थोड़ा बहुत। और यहाँ पर बेटे को ना मेरे कार दिख गई थी और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, और कॉस्टली की बात नहीं है, वो कार ना फ़ौरन तोड़ देता है, रिमोट वाली कार थी। तो इसके पास बहुत सारी कार हैं, बहुत सारे इसके पास टॉयज हैं और ये हर जगह जाता है तो ले लेता है। तो आज हम लोगों ने इसे अवॉइड करवाया कि अब हर टाइम ना हम इसे दिलाएंगे नहीं तो इसकी आदत ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर सॉक्स वगैरह देख रहे थे, काफ़ी अच्छे थे, सॉफ्ट थे, और ये 100 100 रुपीज़ में, 100 या 150 के थे इस तरीके से, 120 के, तो 3 3 पीसेस थे इसमें, 3 पेयर्स थे, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। मगर इतनी हड़बड़ी मचा दी ना कि बस मैंने एक बार देखा, मैंने कहा और सारी और भी चीज़ें देख लेती हूँ, उसके बाद मैं वापस में लेते हुए निकल जाऊंगी। तो यहाँ पर ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से जो है ना टावल थे बच्चों के, और ये किचन टावल्स थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। इंशाल्लाह मैं कभी लूंगी इनको भी, अभी मैं जाऊंगी फिर कभी तो। और ये सारे पिलोज, और यहाँ पर ये देखिए बच्चों के लिए टॉयज, और ये सब चीज़ें देख के ना मेरा बेटा खुश होता है बस, लेकिन लेने की जिद नहीं करता है, ये अच्छी चीज़ है। मगर वो कार वगैरह देख लेता है ना तो उसकी जिद इतनी बढ़ जाती है। ये बॉटल्स वगैरह बहुत प्यारी लग रही थी मुझे, स्पोर्ट्स बॉटल भी थी और ऐसे ही ऑफिस वगैरह में कैरी करने वाली, और बच्चों की चीज़ें भी थी बहुत सारी। और तो ये मैंने उठाई ना, ये काफ़ी भारी थी, ये कांच की थी, तो मैंने कहा नहीं ये बच्चे के लिए तो बिल्कुल नहीं अच्छी है, तो फिर मैंने वापस रख दी। और मगर यहाँ पर चीज़ ना आपको यूनिक से मिलेगी क्योंकि ये देखिए बैग्स वगैरह कितने प्यारे से थे, बहुत अच्छे अच्छे बैग थे। तो बस वहाँ से निकल के हम लोग, क्योंकि उसने इतनी ज़िद मचा दी, वो रोने धोने लगा वहाँ पर बेटा मेरा जाब्यान, तो बस हम लोग निकल गए। हम लोगों ने कहा कि चलो हम लोग घर जाते हैं, उसके बाद जो है ना फिर देखते हैं इसको समझाएंगे। तो बस हमने जो है निकल गए हैं अपना ऑटो लेकर, और बस रास्ते की थोड़ी सी ये क्लिप बना ली थी मैंने, और बहुत अच्छा सीन लग रहा था, रात का टाइम था। तो हम लोग आ गए हैं घर पर और बैठे हुए हैं, नहीं लेटे हुए हैं, तो हम लोग लेट गए हैं, थक गए थे बहुत ज्यादा चलते चलते मॉल वगैरह में ना चलते। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक था, छोटा सा था ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।